साथियों, मशिवानंद द्विवेदी एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं गोवंश राइट एक्टिविस्ट। आपको हम बता दें कि हम मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत चचाई वाटरफॉल है ये आगे से, और उसके नीचे हम 1000 फीट गहरी खाई में यहाँ पे आ चुके हैं और हम पूरा वाक्य दिखा रहे हैं। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं, ध्यान फाउंडेशन दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे आए हुए हैं गोवंशों को, गायों को यहाँ से ऊपर से धकेले जाने की खबर थी और इसी का मुआयना करने के लिए हम यहाँ पे आए, और हमने यहाँ पे पाया है कि अभी तक हमें एक मृत गाय मिली हुई है और साथ में कुछ कंकाल हमें मिले हुए हैं, कुछ जीवित मवेशी मिले हुए हैं जो यहाँ पे चर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर से। जैसे एक वहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है सफ़ेद सफ़ेद वो, और इधर से हम कुछ लगभग एक दर्जन छोड़ करके हम इधर से आए, और ये पूरा का पूरा इंटरनल टेरेन है इसका, आप देख सकते हैं सामने से चचाई वाटरफॉल है, चारों तरफ से घिरी हुई घाटियाँ, लगभग 1000 फीट गहरी घाटी के नीचे हम चारों तरफ का आपको वाकया दिखा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े पत्थर हैं, जब यहाँ पर वाटरफॉल अपनी तेज़ी में आता है, तात्पर्य हुआ कि आषाढ़ श्रावण के साथ समय पर जब अच्छी खासी बारिश होती है तो यहाँ पे खूब पानी भरा रहता होगा, और ये चिकने चिकने बड़े बड़े पत्थर, पत्थरों की चट्टानें इस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ, और ये पूरा वाकया दिखाते हुए यहाँ पे बहुत ही दुर्दांत इस तरह से किस्से सामने आए हुए हैं, जिसमें से मवेशियों को घाट के नीचे उतार दिया जाता है जहाँ पर उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती और वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, मतलब उनको अपनी अंतिम सांसें यहीं पर लेना होता है, वो हवा खा करके जिए, पानी पी करके जिए, या और कुछ, या पत्थर खा करके जिए, क्योंकि पत्तों के अतिरिक्त पत्ते यानी कि ऐसे पेड़ के पत्ते जो पशु सामान्यतः खाते नहीं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, कोई चारा घास तो है नहीं, और ये घाटी लगभग 1000 फीट से भी ज़्यादा कहीं और ज़्यादा गहरी ना हो, यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं है, ऊपर नहीं जा सकते, और कुल मिलाकर के उनके लिए काला पानी है, जिस तरह से अंग्रेज़ों के समय पर काला पानी हुआ करता था कि किसी भी व्यक्ति को आप काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुँचा दो तो वहाँ से उसको वापस आना मुश्किल होता था, ठीक उसी प्रकार से ये काला पानी है इन मवेशियों के लिए, इन गोवंशों के लिए। देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें सूखी हुई इस समय, आगे कुछ पानी भी दिख रहा है जो नीचे भरा हुआ है, हम आपको वहाँ भी चल करके दिखाएंगे, और ये घाटियाँ, ये पूरा नज़ारा है चचाई वाटरफॉल, चचाई गेस्ट हाउस के ठीक नीचे 1000 फीट गहरे खाई का, ये पूरा का पूरा हम बाकी आपको दिखा रहे हैं। आप इसको देखें और गौर करें कि आखिर आज गोवंशों के साथ इतनी बड़ी जो क्रूरता हो रही है इसका क्या कारण है। आवारा जो पशु बढ़ गए हैं, किसानों की फसलों को चट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित और परेशान होकर के गुस्से में आकर के उनको नीचे घाट के नीचे उतार दिया करते हैं जहां पर इनको वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार और यहां के जो भी और भी इस तरह से NGO हैं, संगठन हैं जो गौवंशों के लिए काम करते हैं, एनिमल राइट्स के लिए, उनको आज सोचने की आवश्यकता है कि इस संदर्भ में उनको क्या करना चाहिए ताकि इनकी जान भी बचे, इनकी सुरक्षा हो पशुओं की, और साथ में किसानों की फसल नुकसानी भी ना हो। ये आप बाकी इस तरह से देख सकते हैं। हमारे साथ में विनोद सिंह जी हैं, ध्यान फाउंडेशन के जो दिल्ली से आए हुए हैं, हम उन्हीं के साथ में आए हुए हैं और इसका पूरा वाकये का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। रीवा का दृश्य है, रीवा मध्य प्रदेश का, चचाई वाटरफॉल, सामने संगम कहलाता है, ये बीहर और इस तरह से चचाई का संगम, दो नदियाँ इस तरह से कही जाती हैं, यहाँ पे दोनों संगम है और ऐसे संगम के नाम से इस क्षेत्र में जाना जाता है। सामान्यतः संगम का मतलब होता है जहाँ पर नदियों का मिलान होता है, चाहे वो संगम इलाहाबाद प्रयाग का हो जहाँ पे गंगा यमुना का मिलान होता है, चाहे वो यहाँ का हो। इस तरह से आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, उनमें से एक चट्टान में मैं खड़ा हुआ हूँ और एक आपके सामने 1000 फीट से भी ऊपर गहरी खाइयाँ, ये चट्टान, ये देखिए इस तरह का ये दृश्य। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सोशल एक्टिविस्ट।